गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखने वाले हैं 24 और 25 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम क्या है। तो मोटेरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम होगा जहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाग लेंगे, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है। उस प्रोग्राम का नाम है नमस्ते ट्रंप। क्या है? नमस्ते ट्रंप। और ये प्रोग्राम कहाँ रखा जाएगा? मोटेरा स्टेडियम में। और ये मोटेरा स्टेडियम जो है इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व चिंतन दिवस 2020 का विषय क्या है? इसमें जो आपका ऑप्शन बी, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्या है? डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब विविधता समानता व समावेशन। ये विश्व चिंतन 2020 का थीम था। और विश्व चिंतन दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। और ये 22 फरवरी को बेडन पॉवेल के जयंती पे मनाया जाता है। और बेडन पॉवेल केंद्रीय विद्यालय में स्काउट और गाइड आंदोलन के संस्थापक थे। और इनके जयंती पे प्रत्येक वर्ष विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया गया है? तो किस देश में लासा बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया में लासा बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। अब यहाँ है आपका नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। क्या नाम है? अबूजा। और करेंसी है नायरा। नायरा करेंसी है। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? सैमुअल अब्रेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? यह मिला है 35वां स्थान। कितना है? 35वां। किस चीज में? तो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला? वो मिला फिनलैंड को। किसको मिला? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत 131वें स्थान पर है? तो ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? यह किया गया यूनिसेफ के द्वारा जारी। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। तो यूनिसेफ के द्वारा ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत कितनेवें स्थान पे है? तो 131वें स्थान पे है। और इसमें पहले स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ये हैं रॉस टेलर। क्या नाम है इनका? रॉस टेलर। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और अभी ये तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन ओलंपिक 2020 का मोटो है जो टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? तो लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? यह जीता एडलिन कैस्टेलिनो ने। एडलिन कैस्टेलिनो ये मैंगलोर के हैं और इन्होंने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। थाई मांगुर मछली का उत्पादन स्वच्छ स्थितियों में नहीं होता है, इससे लोगों का हेल्थ को खतरा हो सकता है, इसलिए इसके उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने का अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दिया? इनका नाम है महातीर मोहम्मद। क्या नाम है? महातीर मोहम्मद। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ आपका मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर।
और करेंसी है रिंगित। क्या है? रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATE ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? तो ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला FATE ने किस देश को लिया है? यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान को FATE ने ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। ये FATE जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसने अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान दिया गया? तो नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली। क्या नाम है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR दिल्ली, इसको नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में AFC चैंपियंस लीग ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बना? तो AFC चैंपियंस लीग ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बना? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, FC गोवा। क्या नाम है? FC गोवा। FC गोवा AFC चैंपियंस लीग ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो AIBA वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? यह करेगा रूस। तो AIBA का फुल फॉर्म क्या होता है? AIBA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो रूस करेगा। और ये AIBA का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। और इसका हेड क्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा किसे बॉलीवुड सम्मान के WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किया गया? तो WBR गोल्डन एरा से किनको सम्मानित किया गया? ये किया गया मनोज कुमार को। मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा बॉलीवुड सम्मान के WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किया गया। और मनोज कुमार को पहले पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। 1992 में इनको पद्मश्री मिला था और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो स्थिरता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? यह है 77। 77वें स्थान पर है स्थिरता सूचकांक में भारत। और स्थिरता सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया गया? यह किया गया मणिपुर में। मणिपुर में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। अब यहाँ है आपका मणिपुर, तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल और वहाँ के CM कौन है? वीरेन सिंह। और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? ये क्या है? प्रज्ञान ओझा ने। प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? यह जीता है PV सिंधु ने। PV सिंधु ने ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इन्होंने वीमेंस का जीता, तो मेंस का किसने जीता है? वो जीता है सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं और उन्होंने मेंस का ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है। अब यहाँ है आपका हरियाणा, तो हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HRMS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो HRMS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये क्या है? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष VK यादव ने HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रेलवे के कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैरी टेस्लर का निधन हुआ, वो कौन थे?
तो लैरी टेस्लर कौन थे? ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे लैरी टेस्लर, और ये कॉपी और पेस्ट कमांड के निर्माता थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया? तो सोने का विशाल भंडार यूपी के किस जिले में खोजा गया? ये इस जिला का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। तो यूपी के सोनभद्र जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो उनका नाम है एलेक्स डैनसन। एलेक्स डैनसन एक हॉकी प्लेयर हैं और इन्होंने भी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। भारत 2022 AFC महिला एशियाई कप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कला कुंभ का आयोजन कर रहा है? तो कला कुंभ का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? यह कर रहा है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय भौगोलिक संकेत शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला कुंभ का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीटबोर किस राज्य का पहला शून्य कचरा शहर बन गया? तो टीटबोर किस राज्य का शहर है? यह है असम का। असम का शहर है टीटबोर, और ये पहला शून्य कचरा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियंस बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी की प्रजाति की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो किस पक्षी की प्रजाति की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है? इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय मोर। तो स्टेट ऑफ इंडियंस बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय मोर की प्रजाति में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं मनोज जैन। मनोज जैन जेल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। ओके गाइज, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको करा दिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में हो रहा है, और इसमें साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन होंगे? तो यह हैं अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या नाम है? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बना? यह है अपना भारत। भारत हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह करेगा भारत। भारत 2022 AFC महिला एशियाई कप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कला कुंभ का आयोजन कर रहा है? तो कला कुंभ का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? यह कर रहा है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय भौगोलिक संकेत शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला कुंभ का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीटबोर किस राज्य का पहला शून्य कचरा शहर बन गया? तो टीटबोर किस राज्य का शहर है? यह है असम का। असम का शहर है टीटबोर, और ये पहला शून्य कचरा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियंस बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी की प्रजाति की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो
तो किस पक्षी की प्रजाति की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है? इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय मोर। तो स्टेट ऑफ इंडियंस बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय मोर की प्रजाति में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज जैन। मनोज जैन गेल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। ओके गाइस, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको करा दिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।